बर्थडे सैफ ने किया कैसा सेलिब्रेट बताएंगे आपको शोरील में। हेलो एंड वेलकम टू द शोरील, मैं शिवानी लाई हूँ आपके लिए बॉलीवुड की कुछ चुलबुली खबरें। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी और अपनी स्टाइल से पहचानी जाने वाली एक्टर करीना कपूर ने अपना 39वां जन्मदिन पटोदी पैलेस में अपने पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट किया। इस दौरान सैफ अली खान और करीना कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कौन सा है वह वीडियो। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में करीना कपूर फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती हुई काफी एक्साइटेड दिख रही हैं। व्हाइट कलर के आउटफिट में करीना काफी खूबसूरत भी लग रही है। इस क्यूट वीडियो को शेयर करते हुए करिश्मा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, हैप्पी बर्थडे बेबो, वी लव यू। करिश्मा कपूर के इस वीडियो पर सिंगर दिलजीत दोसांझ, मनीष मल्होत्रा और रिया कपूर जैसे कई सेलिब्रिटीज ने कमेंट किया है। एक्ट्रेस करीना कपूर को उनके जन्मदिन पर ढेरों बधाइयां मिल रही हैं। वहीं अगर वर्क फंड की बात करें तो फिलहाल एक्ट्रेस करीना कपूर टेलीविजन शो डांस इंडिया डांस को जज कर रही हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस जल्द ही फिल्म अंग्रेजी मीडियम में इरफान खान के साथ मुख्य किरदार निभाती नजर आएंगी। श्रद्धा कपूर की हाल ही रिलीज हुई फिल्म छिछोरे और साहू ने सुपरहिट कमाई की है और इन फिल्मों को उनके फैंस ने भी काफी पसंद किया है। अब श्रद्धा कपूर ऐसा लगता है कि अपनी फिल्मों का चुनाव काफी सावधानी से कर रही हैं। अब उन्होंने 600 करोड़ के बजट वाली फिल्म करने का मन बना लिया है। आइए जानते हैं आखिर कौन सी है वह फिल्म। हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि श्रद्धा कपूर को डायरेक्टर लव रंजन के डायरेक्शन में बनने वाली अगली फिल्म भी ऑफर की गई है, जिसमें रणबीर कपूर और अजय देवगन लीड रोल में होंगे। अब ऐसी खबर सामने आई है कि श्रद्धा कपूर ने लव रंजन की इस फिल्म को ना करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने यह फिल्म नितेश तिवारी के रामायण के लिए छोड़ी है। रिपोर्ट की माने तो श्रद्धा कपूर को इस मल्टी स्टारर फिल्म में सीता का रोल ऑफर किया गया है। श्रद्धा ने इस फिल्म में काफी इंटरेस्ट जताया है। वैसे बता दें कि श्रद्धा की हाल ही हिट हुई फिल्म छिछोरे का डायरेक्शन भी नितेश तिवारी ने ही किया है। श्रद्धा ने कुछ दिन पहले ही अपनी अगली फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D की शूटिंग पूरी की है, जिसमें वह वरुण धवन के अपोजिट दिखाई देंगी। इस फिल्म का डायरेक्शन रेमो डिसूजा कर रहे हैं। नच बलिए के स्टेज पर होगी शादी। जी हाँ, नच बलिए में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कपल अनीता और रोहित के परफॉर्मेंस लोगों को काफी पसंद आ रही है और यह शो में सबको अच्छी खासी टक्कर भी दे रहे हैं। अब नच बलिए के अपकमिंग शो में यह एक दूसरे से दूसरी बार शादी करते नजर आएंगे। आइए जानते हैं क्या है पूरी डिटेल्स। अनीता और रोहित के बीच की बॉन्डिंग जबरदस्त है। जजेस समेत ऑडियंस को भी अनीता और रोहित की जोड़ी काफी पसंद आती है। अनीता और उनके बलिए के बीच का प्यार और बॉन्डिंग तो सबने शो में देखी है, लेकिन नच बलिए के अपकमिंग एपिसोड में अनीता और रोहित अपनी केमिस्ट्री से लाखों दिलों को जीतने वाले हैं। रिपोर्ट के माने तो नच बलिए के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को इंडियन टेलीविजन का सबसे रोमांटिक प्रपोजल देखने को मिलेगा। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी और रोहित रेड्डी नच बलिए के मंच पर एक बार फिर शादी करते दिखाई देंगे। दरअसल अनीता और रोहित को एक दूसरे के साथ 10 साल का लंबा समय हो चुका है। इस खास मौके को रोहित ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसलिए इसे यादगार बनाने के लिए रोहित अनीता संग नच बलिए के मंच पर दूसरी बार शादी करेंगे। सनी की आवाज सुनकर चौंक गए अमिताभ बच्चन। जी हाँ, कौन बनेगा करोड़पति के 11वें सीजन के एक एपिसोड में सनी देओल की आवाज सुनकर अमिताभ बच्चन ही नहीं बल्कि उनके सामने हॉट सीट पर बैठे यूपी के आकाश भी चौंक गए। आइए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। असल में गुरुवार के खेल में उतरे आकाश को एक सवाल दिया गया। इस सवाल के तौर पर एक फिल्म का डायलॉग सुनाया गया और कंटेस्टेंट से फिल्म का नाम पहचानने को कहा गया, लेकिन जब डायलॉग शुरू हुआ तो सब चौंक गए। असल में सवाल के तौर पर फिल्म दामिनी में सनी देओल के द्वारा बोले गए एक डायलॉग को सुनाया गया, जिसमें सनी देओल कोर्ट में दहाड़ रहे थे। वे कह रहे थे कि अभी केस रफा दफा कर दूंगा, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि आकाश इस फिल्म को नहीं पहचान पाए। यूपी के छात्र आकाश ने बताया कि वे फिल्म ज्यादा नहीं देखते, इसलिए वे इस फिल्म को पहचानने में असक्षम हैं। बाद में उन्होंने अपनी लाइफलाइन ऑडियंस पोल का सहारा लेकर ऑडियंस ने बताया कि इसका सही जवाब दामिनी फिल्म होगा। वहीं आकाश के बाद रूमा देवी के साथ शो में पहुंची सोनाक्षी सिन्हा से किए गए एक सवाल पर जवाब न देने पर सोनाक्षी सिन्हा को काफी ट्रोल किया जा रहा है।
खैर आज के शो में बस इतना ही। अब वक्त हो गया है जाने का, पर आप कहीं मत जाइए, बने रहिए आपके अपने चैनल एमपी न्यूज टीवी पर और अपडेट रहिए ऐसी कई खास खबरों से। खबरों की कतार लगातार, एमपी से जुड़ी हर खास खबर आपके मोबाइल पर आपके वक्त पर। एमपी न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।